बाबू होश में रहो, बाबू होश में रहो, खेसारी लाल यादव को जो है कुछ बोल दिया तो माँ कसम जो है बढ़िया नहीं होगा। और सिर्फ खेसारी लाल यादव को ही क्यों, भोजपुरी के किसी भी सुपरस्टार, स्टार, छोटा स्टार, बड़ा स्टार, महिला स्टार, कोई भी स्टार को कुछ क्यों बोलेगा तुम? अश्लीलता का, अश्लीलता दूर करने का ठीका लेकर बैठे हो क्या? अश्लीलता दूर करने का ठीका लेकर बैठे हो? और जानते हो, जानते हो क्या होता है अश्लीलता? कमर, गाना में कमर है, कमर हिलेला तो क्या ये गाना अश्लील है? मीठा मीठा बथे कमरिया, क्या तुमको लगता है कि ये गाना अश्लील है? कमर लपका हुआ, क्या लगता है कि गाना अश्लील है? चोली, लहंगा, कमर, क्या लगता है कि बातें अश्लील है? प्यार, मोहब्बत, दिल, मैं ना जानू रे, क्या ये बहुत एकदम एक नंबर चीज है? क्या लगता है, प्यार, मोहब्बत, दिल बहुत अच्छा चीज है? हिंदी में प्यार मोहब्बत होता है, दिल होता है, क्या लगता है? क्या लगता है कि ये दुनिया को जो है एकदम सही रास्ता में लेके जा रहा है? दुनिया को जो है ये लोग प्यार मोहब्बत का बातें करके, हिंदी सिनेमा वाला लोग, बॉलीवुड दुनिया को आसमान में पहुंचा देगा रे, क्या लगता है? जंक्शन और जवान मगहिया, उसको हम बोलते हैं मऊगा, ये लोग जो है भोजपुरी में अश्लीलता का ठीका लेकर बैठ गया है। लेकिन हम बात करना चाहते हैं आप लोग से, आप लोग का दिमाग खोलना चाहता है कि आखिर अश्लीलता है क्या? अश्लीलता है क्या? लोग बोलता है कि अश्लील है, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर बात हो गया कमर का तो क्या ये अश्लील है? बात हो गया लहंगा का, ये अश्लील है? जिस चीज से, जितने भी आज जो लोग भोजपुरी में अश्लीलता का विरोध कर रहे हो, तुम लोग का अश्लीलता का मतलब है सेक्स। तुम लोग का साफ लाइन में कहना है कि भोजपुरी जो है, भोजपुरी गाने ये सेक्स को दे रहा है बढ़ावा, इससे जो है आदमी कुछ बोलने में शर्म आता है। बोलने का मतलब तो यही ना है बाबू, तुम लोग का जितने अश्लीलता अश्लीलता का बात बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो? यही ना कि आदमी जो है चार लोगों के बीच में सुन ना पाता है। लेकिन तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आता है कि जिसके सहारे आज तुम जहां पे बैठे हुए हो, बैठ के बोलने के लायक हुए हो, तो सिर्फ वो एक कारण है कि सेक्स, और उससे तुम्हारा हुआ है जन्म, उससे पूरे संसार का हुआ है बाबू जन्म। और जिस चीज से पूरा संसार पैदा हुआ है, जिस चीज से पूरा संसार का बनावट हुआ है, वो चीज गलती कैसे हो सकता है? वो चीज अश्लील कैसे हो सकता है? हाँ, अश्लील कैसे हो सकता है? जबकि हमारा मानना है कि भोजपुरी जो है हिंदी के गाने से लाख गुना जो है हमारा भोजपुरी बहुत बढ़िया है। अब पूछो क्यों, पूछो हमसे क्यों, तो हम बता रहे हैं हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में होता क्या है कि लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। प्यार है, तुम हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, हम तुम्हारे हैं सनम। इस चक्कर में जो है, दिल और प्यार के चक्कर में जो है, पढ़ने वाला बच्चा साला पैदा होकर 14-15 साल का नहीं होता है, हिंदी सिनेमा देख देख के वो प्यार में खो जाता है। 14-15 का एज आते आते तक जो है, एक बच्चा जो है कहीं देखता है बच्ची को कि हाँ कोई हमसे प्यार करने वाली मिले, कोई हम पे भरोसा करे, हम उससे प्यार करें। साला पढ़ने का उम्र में दिमाग का जो है हो जाता है दही। लाइफ में करना क्या है, उसको कैसे करना है, नहीं एकदम समझ नहीं है। चाहे लड़की हो वो खोजेगा लड़का, और लड़का वो खोजेगा लड़की, किस कारण से? कारण क्या है जानते हो? यही हिंदी सिनेमा वाला लोग कि प्यार मोहब्बत एकदम इतना दिखा दिया, इतना दिल में जगह बना दिया कि आह दादा, इंसान अपना कैरियर भूल जाता है, जिंदगी। और भोजपुरी वाले हमारे भाई लोग क्या करते हैं, अरे डायरेक्ट जो बात है, जहाँ पॉइंट का बात, अगर वहीं पहुँचा दिए तो उसमें क्या गलती है? अगर हिंदी सिनेमा भी जो हो, प्यार मोहब्बत करते करते पहुँचोगे तो वहीं पहुँचना सबको बाबू वहीं है। हाँ, और अगर भोजपुरी डायरेक्ट वहीं पहुंचा दिया तो इसमें अपराध, इसका इन शॉर्ट में है कि तुम करो तो रासलीला, अब साला हम करें तो करेक्टर ढीला। हाँ, क्या लगता है आप लोगों को? हम उतना दिन से कुछ बोल नहीं रहे हैं तो क्या बोले हम? बाकी फैसला करना आप लोग के हाथ में है, हमारा आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं। अगर बात बढ़िया लगा होगा तो ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, शेयर
शेयर जो है एक इंसान तक पहुंचाइए और नहीं अच्छा लगा है तो माँ कसम डिसलाइक मारिए और कमेंट सेक्शन में जो है भर भर के गाली दे के जाइए हमको, ठीक है।